पहाड़ों और नदियों से आच्छादित जनपद सोनभद्र भले भौगोलिक दुरुता का शिकार हो, किंतु दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस भौगोलिक दुरुता को अपने बच्चों की पढ़ाई में कभी रुणा नहीं बनने दिया। सोनभद्र जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर म्योरपुर ब्लॉक के पिंडारी ग्राम सभा में यह पहल देखी जा सकती है, जहां पिंडारी गांव के बिच्छी नदी पर बनी पुलिया के टूट जाने से परेशान ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से खुद ही आवागमन के लिए एक लकड़ी की पुलिया बना डाली। म्योरपुर ब्लॉक के इस पिंडारी ग्राम सभा से जुड़े लगभग 2000 से भी ज्यादा आबादी वाले आधार दर्जन गांव नगराज, खुजरी, मनहरवा टोला, मनबहरी, काचन और करिया गांव की म्योरपुर ब्लॉक कार्यालय से जोड़ने वाली बिच्छी नदी की पुलिया 3 वर्षों से टूटी पड़ी है। पुलिया टूटने से न तो बच्चे स्कूल जा पा रहे थे और न ही मरीज अस्पताल तक पहुंच रहे थे, और तो और उन्हें म्योरपुर जाने के लिए 40 किलोमीटर की अधिक दूरी भी तय करनी पड़ती थी। इन सबसे परेशान ग्रामीणों ने खुद ही लकड़ी की पुलिया बना डाली। टूट गया, लड़का जो बच्चों हैं पढ़ने 1 महीना 2 महीने जा नहीं रहे हैं जब से बारिश हो रहा है। इसके बाद क्या हुआ, गांव में देखते दुआर सब गांव मीटिंग किए कि भाई कैसे करा जाए, हम लोग का बच्चा जो है पढ़ने जा रहे हैं, भविष्य खराब हो जा रहा है, ऐसे ही रह जाएगा। तो हम लोग सोचे कि ठीक, चार जनता मिल के जंगल गए, जंगल लकड़ी काट कर बांध कर सहज महज पुलिया बना के वहीं पर बच्चों पकड़ पकड़ हम लोग पार कर रहे हैं रोज डेली, यही हम लोग का काम है। अब कहीं जाते हैं आते हैं कहीं सुनाई नहीं हो रहा है हम लोग का। वही स्कूल जाने वाली बच्चियों ने बताया कि पुल के टूट जाने से 1 महीने से अब तक हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे थे। उनके अभिभावक और गांव के लोगों ने मिलकर पुलिया का निर्माण किया, जिससे अब हम लोग स्कूल आ जा रहे हैं। घूम के जाना पड़ता है स्कूल, दिक्कत होता है हम लोगों को स्कूल जाने में, और पापा लोग सब लोग देखे तो सब लोग गाँव मिल करके बांस का लकड़ी सीढ़ी बनाए, तो फिर हम लोग स्कूल नदी पार करके हम लोग स्कूल जाते हैं। पुल टूट गया है, 1 महीना से स्कूल नहीं गए थे, तो पापा लोग सब लोग मिलकर पुल बनाए, डर लगता है। लड़कियों के पढ़ाई को लेकर ग्रामीणों के इस एकजुटता की सराहना तो सर्वत्र जरूर की जा रही है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता की कसक भी साफ दिखाई पड़ती है, क्योंकि लोगों का मानना है कि प्रशासन को कम से कम एक बार जरूर इसका जायजा लेना चाहिए। ग्राम प्रधान ने बताया कि पुल टूटने के समय ब्लॉक में बतौर बीडीओ तैनात प्रशिक्षु आईएएस श्रीमती अंकुर लाठर ने छात्राओं की पढ़ाई के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल पुलिया का एस्टीमेट बनवाया था, लेकिन उनके जाने के बाद पुलिया निर्माण का कार्य ठंडे बस्ते में चला गया। एक साल दो साल पहले ही ये पुल टूटा है, जो कि अगले वर्ष मट्टी पाट के हम लोग काम चलाए थे। उस समय हमारी ब्लॉक में मैडम थी अंकुर लाठर, जो कि पुल पर आई और पुल पर आने के बाद क्या बोलते हैं इसका एस्टीमेट भी बना। एस्टीमेट बनने के बाद जब उनका ट्रांसफर हो गया तो इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिए ब्लॉक वाले। तहसील दिवस में हम 2 बार गए हैं स्वयं अपने हाथ से, हमारे पास रिसीविंग भी है, क्योंकि आज तक इसमें कोई काम नहीं हुआ है।